ग्रामीणों ने लगाया आरोप, रोड चढ़ा भ्रष्टाचार की बलि, मिट्टी और घास पर करा दिया जा रहा पिंचिंग का कार्य, अधिकारी मौन। उत्तर प्रदेश के सूबे की योगी सरकार जहां भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होने का दावा करती है, वहीं कुछ लोग चंद पैसा बचाने के लालच में विकास को पीछे छोड़ देते हैं और भ्रष्टाचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। यह पूरा मामला जनपद सोनभद्र के रावष्टगंज कोतवाली अंतर्गत चौकी सुकृत क्षेत्र के ग्राम सभा मधुपुर का है, जहां मधुपुर के चढ़ावा पर एक पक्की सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा अपने मनमाने ढंग से कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सड़क को मिट्टी और घास पर पिंचिंग किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया तो ठेकेदार द्वारा डायल 112 को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग कार्य को रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को जेल भिजवा दूंगा, हम अपने मनमाने ढंग से कार्य को कराएंगे, जिसको जो करना है कर ले। वहीं ग्रामीणों के द्वारा तत्काल क्षेत्रीय पत्रकारों को अवगत कराया गया, जिसकी सूचना पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने ग्रामीणों की कही बात सत्य निकली। मौके से कई संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया पर मौके पर कोई नहीं पहुंचा और अधिकारियों का न पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि इष्ट भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं इनकी संलिप्तता है। हालांकि यह क्षेत्र में रोचक का विषय बन गया है कि क्या ठेकेदार सही है या ग्रामीण। वहीं ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधियों से भ्रष्टाचार को रुकवाने की उम्मीद रखे हैं। अब देखना यह है कि क्या यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है या इसमें सुधार किया जाता है। देखिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। सुभाष मौर्य। ग्राम मधुपुर चढ़वा। ये रोड जो बन रहा है कैसा बन रहा है? ये रोड बिल्कुल गड़बड़ बन रहा है, चार महीना से नहीं चलेगा। क्या समस्या है इसमें, मतलब क्या गड़बड़ बन रहा है? एक समस्या है कि सोलंग ही कम पड़ा था और सोलंग पड़ने के बाद मिट्टी इसमें हो गया, घास सूख गया और कोई सफाई नहीं है। इसके बाद इसको बनाया जा रहा है, हमारे यहाँ का जनता सब असंतुष्ट है। हाँ, ये घास और मिट्टी पे ही इसी तरह बनाया जा रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? रामो सिंह। यहाँ पे जो रोड बन रहा है, रोड से सटा हुआ आपका घर है? हाँ। अच्छा, तो कैसा बन रहा है ये? घास मिट्टी पर बन रहा है। बस घास मिट्टी पे बन रहा है क्या? रोड इसी तरह से जैसे बन रहा है, इस तरह से रोड बनते हुए आपने कभी देखा है कहीं पर भी? हम लोग तो कभी नहीं। ये तो कितना बन चुका है पीछे? अभी करीब करीब एक किलोमीटर तो लगभग। एक किलोमीटर कितना है? चार पाँच सौ मीटर बन चुका है। 400 लगभग, आधा बन चुका है। अभी आगे लगभग कितना जाना है? अच्छा, तो ये बस यानी ये रोड पे केवल झाड़ू लगा करके और उसके बाद पिचिंग करवा दे रहे हैं, यानी घास भी नहीं काटी जा रही, केवल झाड़ू लगा के उसी पे अलकतरा गिट्टी डाल करके पिचिंग कर दे रहे हैं। का यही के रहने वाले हैं आप? ये आपके हिसाब से कैसा रोड बन रहा है? बिल्कुल घटिया रोड बन रहा है, ना इस पर कतरा अच्छे से गिर रहा है, ना मिशन भी अच्छा नहीं है, गिट्टी भी अच्छी नहीं पड़ी है जी। मेन यहाँ पे क्या है, मतलब क्या समस्या है मेन यहाँ पे? मिट्टी और घास। घास और मिट्टी उसी के ऊपर बना रहा है, उसी के ऊपर बनाया जा रहा है बस जी। इस पे जबकि सोलिंग चाहिए थी जी, सोलिंग और पंक्सी दोनों चाहिए थी। तो इसके लिए आप लोग किसी से कहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। पैसा इसी का पास हुआ है, घास मिट्टी का। अच्छा, ठेकेदार से बात हुई आप लोगों की? क्या बोले हैं वो? घास मिट्टी का पैसा हमको पास हुआ, इसी का हमको बिछाना है, हम इसको कोई नहीं गिरा सकते। अच्छा, आपका कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही घर है आपका जी? ये जो रोड बन रहा है, ये रोड भैया एकदम घास मिट्टी पे बन रहा है। घास मिट्टी पे एकदम घास मिट्टी बन रहा है। इसका विरोध आप लोग नहीं किए? ठेकेदार से कहे कोई सुन नहीं रहा। कौन किससे कहे आपने? अरे वो कह रहे हैं जय साहब आए थे, देख के गए। अच्छा, जय साहब भी नहीं सुने? नहीं, विधायक जी भी आए थे। विधायक जी से भी शिकायत किया गया मगर वो भी नहीं सुने। क्या बोले वो? अरे वो कहे ठीक है, वो कहे कि काम करवा दीजिए, गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामदयाल मौर्य। अच्छा, हम मधुपुर चढ़वा से ही बोल रहे हैं, इसी रोड। जी जी जी, रोड पर हमारा घर है जी। आप विधायक जी से हमने कहा कि सर रोड जो है बहुत गड़बड़ हो रहा है, बन रहा है, तो कहे कि अगर काम अगर सही नहीं हो रहा तो आप रुकवा दीजिए काम, आप लोग बस यही कह करके चले। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, अगर इस तरह से कार्य को आधा तो कर दिया गया, अगर पूरा होता है तो लगभग रोड कितने दिन चलेगा इस हालत में? ये तो रोड जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर कौन दोबारा। क्या आज तक आपने कभी इस तरह का रोड बनते हुए कहीं देखा होगा? नहीं, जिस हिसाब से बनाया जा रहा है। अगर बगल में रोड बना है वो
वो रोड देखिए और एक नहर पर वो रोड बन रहा है, वो बिकटी कबाड़ करके उसको जो है जेसीबी खन करके बढ़िया से बना रही है जी। और यहाँ यहाँ पर जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ, इस रोड का कोई सुनवाई